कि हमसे पहले मुखर्जी के नाम को लेकर के तीन पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं जो आए और गुजर गए, ये संघर्ष किया और संघर्ष करते करते अपने प्राणों की आहुति लेकर के ये संघर्ष की ज्वाला विशाल हमारे हाथ में छोड़ गए, ये उन्हीं के कारण है कि हम आज ये भाग्यशाली दृश्य देख रहे हैं। और इसलिए ये टनल भी उन्हीं गुजरे हुए कार्यकर्ताओं के संघर्ष को समर्पित है। मुखर्जी को हमने एक वचन दिया, जिस संगठन में मेरा पालन पोषण प्रशिक्षण हुआ है, और वो वचन था एक विधान, एक निशान और एक प्रधान। 5 और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साहसी निर्णय के उपरांत और गृहमंत्री अमित शाह जी की रणनीति से लाई गई प्रस्तावना के बाद वो वचन पूरा हुआ, लेकिन अभी कुछ कुछ उसमें अधूरा है। तो कैसे कि जो निशान, जो तिरंगा, जो झंडा मुखर्जी हमारे हाथ में थाम गए थे, उस झंडे उस तिरंगे को अभी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके में लहराना बाकी है। तो मुझे विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार ये न्यू इंडिया का कारमा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये भी संभव हो पाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति जिस निशान, जिस तिरंगा के लिए दी, वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी लहराएगा, और मोदी जी के न्यू इंडिया में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर एक जगमगाता हुआ अनमोल रतन की तरह सारे संसार को आकर्षित करेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जम्मू कश्मीर की दास्तां आने वाली पीढ़ियों को बयान करेगा। एक बार पुनः आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत मन से धन्यवाद।